सुनीता सुनेंगे। कैसे आइडिया आया इन गौ की मूर्ति बनाने का? ये हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो कुछ गाय वाय को देखते हैं, तो वो जंगल में छोड़ देते, बाहर छोड़ देते, तो गाय को जैसे रोडों पे पड़ रहती है गाय वाय, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकलती, बसें निकलती, ट्रक वरक निकलते, तो बहुत नुकसान होता, गाय का पेट टूट जाता उनका, कभी कभी रोडों पे ही पड़ रहती है। तो उससे आइडिया आया हम लोगों के कि ये कुछ करती है। अच्छा। तो फोटो लेके उनका जो कुछ होता तो उसका कंडे से सुखा के फिर हम लोग मूर्ति बनाए, दिए बनाए, तो हम एक साल से लगे हुए थे इसमें। अच्छा। तो टेस्ट करते रहते थे, तो बिगड़ता था, कुछ होता था, ऐसे ही चलता रहा, तो धीरे धीरे हम सीख गए और पूरे मूर्तियां भी बना ली, दीपक भी बना लिया, और भी आगे भविष्य में बहुत सारी चीजें बनाने की सोच रखते हैं। कौन कौन सी मूर्ति बनाती हैं आप? गणेश जी की मूर्तियां बनाई, अभी मैं लक्ष्मी जी की मूर्तियां बनाऊंगा। क्या इनकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह रहेगा कि आप पानी में डालोगा तो बिल्कुल गल जाएगा, दिए भी ऐसे ही है, और जलाओगा तो जलती रहेगा, दिया भी चलता रहेगा आपके। और मोम जैसे यूज करते हैं, अपन मोम को यूज नहीं करेंगे, जैसे दिवाली पर अपन मोम यूज करेंगे वो नहीं करना। और गाय का गोबर का दिया यूज करोगे तो आपके बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। अच्छा। और घर में जैसे अपने मोबाइल है तो उनकी किरणा पड़ती है, तो वो किरणें बंद हो जाएगा, अपने घर में रहेगी। वैसे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती, मैं बिस्तर भी पड़ रहती, जैसे ये काम करने लगी तो उनके बाद मेरी तबीयत बहुत अच्छी होगी, उनके बाद ही काम करने लगे। दीपक के क्या फायदे हैं थोड़ा बताएंगी? दीपक में ये है कहा सकते कि आप वो तीर रहा, पानी में तीर रहा है। ओके। और उनके बाद अपन जैसे पानी खाली कर देंगे इनको और इसको लगाएंगे तो ये जल भी जाएगा, जल के जला देंगे। अच्छा। तो जलेगा ये आपके कम से कम 12 घंटा तक जलता रहेगा, सुबह तक जलता रहेगा। अच्छा। हमने टेस्ट किया है। अच्छा। फ्लोटिंग दिया का भी काम कर देगा आपके लिए, और जो नेचुरल हम फ्लोटिंग दिया का भी काम हो जाएगा इससे। और जो भी हम दिवाली में जनरल दिया का यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि मिट्टी वाला जो दिया हम लाते हैं वो क्या एक बार यूज करते हैं, उसके बाद वो कहीं पड़ा रहता है, क्योंकि उसमें काला काला सा कुछ जमा हो जाता है जो भी उसका मटीरियल। तो इसमें क्या है, इस दिए में क्या है कि इसको हम फिर से, ये इको फ्रेंडली दिया है जो कि आपका खाद की तरह भी यूज हो सकता है। अच्छा। और क्या आगे के प्लान्स हैं? आगे के प्लान्स अभी तो ये हमारा स्टार्टिंग है, अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे कि कितना हम इसमें अचीव कर पा रहे हैं सक्सेस, और कितना हम अपनी गौ सखियों को बचा सकते हैं इससे, कितना फायदा दे सकते हैं उनको, और अपने गांव में भी हम कितना, जितनी लेडीज हैं उनको कैसे हम सहयोग कर सकते हैं। अभी अभी कितनी लेडीज ये इस काम में है? अभी तो दो ही लेडीज है। अभी दो ही लेडीज, एक वो गांव में चले गए अभी रक्षाबंधन करने के लिए। अच्छा। बस हम दो ही लेडीज बनाते हैं।